हाय फ्रेंड्स, मैं हूं विकास और आज की ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाई है जो अपने एलसीडी या एलईडी में अपना सीपीयू कनेक्ट करना चाहते हैं, यानी अपने एलईडी एलसीडी को कंप्यूटर बनाना चाहते हैं। तो कैसे करते हैं, आइए जानते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है सीपीयू, कीबोर्ड और माउस। यहाँ पर एलसीडी भी हमारे पास, एलईडी हमने पहले ऑन कर लिया है। तो यहाँ पर हमने पहले इसकी पावर केबल लगा दी है पहले से ही, तो आप देख सकते हैं, और पावर केबल डायरेक्ट सप्लाई में लगा हुआ है। इसके बाद आपको नीचे वीजीए केबल दिखाई देती होगी, जो तो यहाँ पे आपको वीजीए पोर्ट दिखाई देगा। आपको यहाँ पे वीजीए केबल लगानी है, तो आप अपनी वीजीए केबल लगा दीजिए। तो हमने वीजीए केबल इसमें लगा दी है। इसके बाद आपको ध्यान देना है, अपने एलसीडी या एलईडी में आपको सेम ऑप्शन अपने एलसीडी या एलईडी में भी दिखाई देगा। तो अपना एलसीडी या एलईडी उल्टा करिए, हम उल्टा करते हैं। यहाँ पे आप उल्टा करके दिखाते हैं, तो यहाँ पर आपको वीजीए केबल का दूसरा पार्ट लगाना है, हम लगा देते हैं। तो हमने इसमें वीजीए केबल लगा दिया, आप देख सकते हैं, आपको भी ऐसे लगा देनी है। फिर हम इसे सीधा करते हैं। तो हमने वीजीए केबल लगा दिया, पावर केबल लगा दिया सीपीयू में, और हमारा जो माउस कीबोर्ड है वो वायरलेस है, जिसकी हमें तार लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपको अपना सीपीयू चालू करना है, तो हम अपना सीपीयू चालू करते हैं। इसके बाद आपको अपने एलईडी या एलसीडी में ध्यान देना है, आपको अपना रिमोट लेना है, और उसमें आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, सोर्स ऑप्शन या मेन्यू। तो यहाँ पर मेरा सोर्स बना हुआ है, मैं इस वाले को टीवी के सामने करूँगा। इसके बाद आपको यहाँ पे पांच छह ऑप्शन दिखाई देंगे, तो आपको नीचे की तरफ आना है। यहाँ पे आपको पीसी दिखाई देगा, आपको पीसी पे चले जाना है। इस पे जाने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा वेट लेगा, और देख सकते हैं कि हमारा जो एलसीडी है या एलईडी वो बिल्कुल पीसी की तरह चालू हुआ है। ये हमारा चालू हो चुका है, और यह है हमारे चैनल का लोगो जो कि हमारे कंप्यूटर यानी एलसीडी में दिखाई दे रहा है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को कर दें लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।